नमस्कार, ज्ञान गंगा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है आदि और इत्यादि में क्या अंतर है। जी, आदि और इत्यादि में क्या अंतर है। ये अक्सर जब मेरे विद्यार्थी जीवन में इस बात की जब भी चर्चा हुआ करती थी, ये आदि और इत्यादि क्या होता है, कभी सर आदि लिखवाते हैं, कभी इत्यादि लिखवाते हैं, आखिर ये है क्या। पर जहाँ तक मतलब मेरे ये जानकारी है या आप लोग जो जानना चाह रहे हैं वो है कि किसी भी उत्तर को लिखते समय आखिर हम लोग आदि और इत्यादि दोनों में से क्या लिखें। तो आज का पूरा ये वीडियो जो है आदि और इत्यादि के अर्थ को बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, आगे नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। देखिए, ये जो साहित्य है इसमें आदि और इत्यादि का बहुत बड़ा महत्व है। ये केवल शब्द मात्र नहीं है, ये हिंदी के महापद है। महापद जब से साहित्य दैनिक खबर बना है तब से ये घटना जो है बताए जाने के लिए, अरे फलाना लोग तो आए थे वगैरह वगैरह, तो ये जो वगैरह जो शब्द है उसी के जगह पर जो है ये आदि और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, जिस तरीके से हम लोग आदि और इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जैसे इंग्लिश में हम लोग ETC एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं, है ना, उसी तरीके से ये आदि और इत्यादि है। तो चलिए आज चलते हैं आदि और इत्यादि के मुख्य अंतरों के बीच। ये जो है आदि, आदि एक अरबी शब्द है जो हिंदी में प्रयोग तो किया जाता है जिसका अर्थ होता है वगैरह। वहीं इत्यादि जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है इसी प्रकार या और भी। अगर आदि का संज्ञा के रूप में अगर अर्थ निकाला जाए तो ये है आरंभ, यानी कि शुरुआत। आप लोग जानते ही होंगे आदि का अंत होता है, विपरीतार्थक शब्दों में पढ़े होंगे, तो आदि का मतलब वही हो गया शुरुआत। वहीं इत्यादि जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रकार और भी। और वहीं आदि क्या है, वो एक अरबी भाषा है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है वगैरह। आगे बढ़ते हम लोग। आदि आदि संज्ञा के रूप में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है आरंभ होना। और वहीं इत्यादि की बात की जाए तो ये एक अवयव है जिसका प्रयोग उदाहरण पेश किए जाने के लिए करते हैं हम लोग। और आप लोगों को ध्यान देने वाली बात यह है कि आदि के स्थान पर इत्यादि का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप लोग इस चीज़ को जान लीजिए। अब अन्य कारण क्या है कि आदि की जगह पे इत्यादि का प्रयोग होता है। देखिए, अन्य कारण क्या है उसके लिए भी मैंने अलग से एक कॉलम बना लिया है। आदि का प्रयोग क्या होता है, ये साधारणतः एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। हाँ, साधारणतः एक या दो उदाहरण अगर हो तो उसके लिए हम लोग आदि का प्रयोग करेंगे। वहीं इत्यादि का जो प्रयोग होता है, वो साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद हम लोग इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कि अगर जैसे अगर बोला जाए कि राम मोहन और समीर तरबूज केला ककड़ी खीरा आदि लेकर आ रहे हैं, ये ज़्यादा आज के समय में प्रचलित नहीं है, जबकि ये प्रचलित होगा कि राम मोहन और समीर आदि खीरा ककड़ी गाजर मूली आदि लेकर आ रहे थे। याद रखिए, दो से अधिक उदाहरणों। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग केवल दो उदाहरण दें, एक या दो, तो हम लोग आदि का प्रयोग करेंगे, और दो से अगर ज़्यादा का उदाहरण देते हैं हम लोग तो हम लोग इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, ताकि हम अपनी हिंदी को, अपनी मातृभाषा को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाए और सुधार सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।